अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए अपने आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो गाइस, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं एक ऐसी जगह जो हम पहले भी विजिट कर चुके हैं, तो मैं अभी नाम नहीं लूँगा, आप लोगों ने गेस करनी कौन सी जगह है। ये क्या अकबर भाई, एसी नहीं चलता क्या? अभी सारा सफ़र ऐसे करेंगे? ओहो, तो गाइस मैं क्या बोलूँ, अभी हमें सारा सफ़र ऐसे ही करना पड़ेगा विदाउट एसी। आज तो हाथ हो गया, अभी तो एसी के बगैर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आई थिंक विंडो ओपन रखनी पड़ेगी। आई थिंक इसका एसी ख़राब है, पहले पता होता तो मैं कुछ और डिसाइड करता, लेकिन चलेगा, अभी डिसाइड किया तो अभी चलते हैं, क्या इशू है। दुबई की गर्मी भी खाते हैं और मौसम ऑल दो चेंज हो गया, लेकिन फिर भी दोपहर के टाइम गर्मी तो होती है, बेशक सर्दियां हों दोपहर के टाइम गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि आपका पसीना निकालेगी। तो गाइस सफ़र का आगाज़ हो चुका है, तो अकबर भाई को बोला है ज़रा कि किसी पेट्रोल पम्प पर रोकें ताकि हम अपना ब्रेकफास्ट कर लें। तो ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। गाइस ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, तो चलिए चलते हैं अभी अपना जो है वो सफ़र तय करते हैं। चलिए आपको दुबई के डेजर्ट्स दिखाते हैं। ये डेजर्ट कैसे हैं जो आपको अभी मैंने दिखाए हैं? तो गाइस हमें ऑलमोस्ट घंटा हो गया निकले हुए, तो अभी भी सफ़र हमारा जारी है। तो अकबर भाई कितना और टाइम लगेगा? 20 मिनट तकरीबन इंशाल्लाह। अकबर भाई कह रहे हैं कि 20 मिनट लग जाएंगे, तो चलिए इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है वो पूरा करते हैं। तो आई थिंक आपने अभी तक गैस नहीं किया, गैस करें हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने गैस कर लिया तो कमेंट में मेंशन करें कि आपने आपको पता लग गया था हम कहाँ जा रहे हैं। जिनको यूएई के रोड्स पता हैं वो मे भी वो भी थोड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमने मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं, हम ट्रक रोड लिया और ट्रक रोड के थ्रू जा रहे हैं। तो चलिए गाइस आपका सस्पेंस हम तोड़ते हैं, हम जा रहे हैं कैपिटल सिटी। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि यूएई का जो कैपिटल है वो दुबई नहीं है, अबूधाबी है। जिन लोगों को नहीं पता, जो ऑलरेडी यूएई में है उनको तो सारी बातें पता है, तो जिन जो पाकिस्तान या इंडिया या दूसरी किसी कंट्री से हैं तो उनको यही होगा कि शायद दुबई जो है वो कैपिटल सिटी है, लेकिन कैपिटल सिटी यहाँ पे अबूधाबी है। तो हम आज जा रहे हैं कैपिटल सिटी अबूधाबी विद अकबर भाई एंड हमारे एक फॉरमैन है इंडिया से हैं, उनके साथ जा रहे हैं हम लोग अबूधाबी। मेन रोड भी जाता है लेकिन हम लोगों ने थोड़ा ट्रैक रोड लिया है कि यहाँ से जो है हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। नॉर्थ रोड यहाँ की स्पीड कम है इस रोड की, लेकिन अगर हम यहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट, लेट्स गो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एडवेंचरस टूर। तो गाइस अब अभी ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं, तो नियर बाई ही है अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं उससे नियर बाई ही है। ये खासियत है कि यहाँ पे जो स्पीड लिखी है उस पे जाना पड़ता है। अगर ये स्पोर्ट्स ये लेट्स सपोज 120 है तो 120 पे आप जाएंगे, जबकि दूसरी एमिरेट्स में आप आपके पास मार्जिन होता है, ऑलमोस्ट 20 का मार्जिन होता है। आप मैं 120 लिखी है तो 140 तक आप जा सकते हैं, कैमरे आपको वो नहीं करते फ्लैश। लेकिन अबूधाबी में ये मस्ट है कि जो लिखा उस पर जाना है, उससे ऊपर हुआ साथ ही आपको कैमरा फ्लैश करेगा। तो ये कैमरा है, आप देख सकते हैं ये कैमरा ये फ्लैश करता है। तो गाइस जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच गए हैं, जो मीन्स के जहाँ पे हमें था आने का प्लान। तो अभी अकबर भाई गए अंदर, वो उनको कुछ मीटिंग है किसी के साथ तो करके आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हमें एक और जगह प्लान है, हमें कंपनी में सीवी सबमिट करानी है, तो फिर सीवी सबमिट कराने चलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट क्लोज है, सब लोग ही जॉब ढूँढ रहे हैं, तो इसलिए इसी घर से हम लोग भी इधर आए हैं ताकि किसी कंपनी में जो है वो हायरिंग चल रही था, हम लोग भी जो है इंटरव्यू दे के तो हायर होते वहाँ पे। तो साथ साथ आपको बताते रहेंगे, जैसे कि आपको पहले वेबसाइट्स बताई थी इंडीड और नौकरी गल्फ बेनिफिशियल हैं,
इसके अलावा लिंक्डइन पे आप करते रहे, लिंक्डइन भी अच्छी जो है वो है। किसी दिन एक पूरी वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर लिंक्डइन वगैरह पे, तो इंशाल्लाह आपको उससे बेनिफिट होगा। गाइस 2 घंटे हो गए अकबर भाई को गए हुए, अभी तक वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आए नहीं है। अकबर भाई इतनी लेट कर रहे थे, हमने सोचा कि हम भी अंदर जा के देखें क्या सीन है, इतना वेट क्यों करना पड़ रहा। लोग अंदर गए हैं, सीवी हमारे हाथ में थी, हमने कहा चलो अपनी सीवी भी सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम अंदर इधर कभी जा रहे थे कभी इधर आ रहे थे, तो अंदर से एक बंदे ने पूछा किस लिए आए हो, तो हमने कहा सीवी सबमिट करवाने आए, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था कि इसको सीवी सबमिट करें। अकबर साहब का भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसने मेरा इंटरव्यू पहले ले लिया, तो देखते हैं क्या बनता है, अभी कहते थे बताएंगे आपको। तो एनी हो गुड एक्सपीरियंस इट वॉज, इंटरव्यू जब होता है तो आपको एक एक्सपीरियंस देता है, कुछ सीखने को मिलता है आपको इंटरव्यू से। तो अभी वैसे टाइम काफ़ी हो गया, 5 बज गए हैं, लेकिन अकबर साहब हैं क्या अभी बिजी हैं, तो बस उन्हीं का वेट हो रहा है, जैसे ही आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। आखिरकार अकबर साहब आ गए हैं, अभी हम चलेंगे आगे, अभी खाना खाएंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है और अभी तक खाया नहीं है कुछ भी। अपना लंच करेंगे, ये लंच भी होगा शायद, डिनर भी यही होगा, तो देखते हैं अभी देखते हैं अभी अकबर भाई हमें कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे पता है अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो लेट्स गो गाइस। अकबर साहब बता रहे हैं उनके आज ऑलमोस्ट 5 इंटरव्यू हो गए हैं, 5 लोगों ने बारी बारी इंटरव्यू लिए हैं, तो इसलिए इतना टाइम लगा। मैं भी कहूँ इतनी देर तो नहीं लगती एक इंटरव्यू देने के हैं, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनको ऑफर लेटर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डन हो गया इनके साथ जो भी था वो डन कर रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इनको ऑफर लेटर आ जाएगा। रेस्टोरेंट मिल गया, 7:30 हो रहे हैं और अभी रेस्टोरेंट मिला जा रहा है, अभी खाना खाएंगे, खाना ऑर्डर कर दिया, अभी आ रहा होगा। हमारी चिकन कढ़ाई है और ये पालक, दोनों बहुत टेस्टी लग रहे हैं, अभी खा के चेक करते हैं। और ये गर्मा गर्म रोटियाँ, वाह गाइस, पालक में जो मक्खन का मज़ा है क्या बात है, मैं उसे और मंगवाया, मैंने कहा और लाड दिया मक्खन। खाना बहुत मज़े का था, असल में भूख ही बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, शायद इसलिए बहुत मज़ा आया खाने का। हाँ ऐसे ही बात है, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था और उसके बाद अभी आके शाम को 8 बजे हम खाना खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो चलिए गाइस अपना बाकी का सफ़र जब वो तय करते हैं, अभी भी 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है, तो चलिए गाइस चलते हैं फिर। अकबर भाई जो हैं वो थक गए हैं ज़रा, तो उनको ज़रा रेस्ट देने के लिए हम अभी ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं, अभी हम ड्राइव करेंगे, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगेंगे जाते हुए, तो लेट्स गो चलते हैं फिर। टाइम हो गया 9:30 ऑलमोस्ट 9:30 9:45, तो अभी हम वापस पहुँचे अकोमोडेशन में। तो आज का सफ़र बहुत थकावट वाला था, अभी थोड़ी एडिटिंग करेंगे, ये वीडियो रेडी करेंगे ताकि आप सुबह आपको ये वीडियो मिल सके, और अभी होगी रेस्ट, अभी थकावट ही है तो अभी रेस्ट होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच अगेन। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।